नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनुस IITC में। तो दोस्तों, आज का जो हमने एक वीडियो तैयार किया है, ये भारतीय रेल पर तैयार किया है, क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय रेल की जो ऑनलाइन है ग्रुप डी की और लोको पायलट की, वो समाप्त हुई है। तो उस जो वैकेंसी थी, उस वैकेंसी को देख करके ये वीडियो बनाया गया है, ताकि इसमें से कुछ क्वेश्चन रेलवे जोन में जो वैकेंसी थी उनमें पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी, और अधिकतर उम्मीद भी करते हैं कि ये इसी में से अधिकतर क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इसमें हमने एक 40 क्वेश्चनों का सेट तैयार किया है, लेकिन ये 40 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन हम सब आपको पूरी तरह जानकारी देंगे कि भारतीय रेल कैसे स्टार्ट की और कहाँ से स्टार्ट की, विश्व में, विश्व की भी और अपने देश की भी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप पूरी देखें, तभी आपको हमारी वीडियो समझ में आएगा टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय रेल। तो दोस्तों, भारतीय रेल विश्व की एक ऐसी प्रणाली है जो कि प्रथम स्थान पर आती है, और हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके उस जनसंख्या के भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारा जो देश है एक गरीब देश है, तो यहाँ पर गरीब देश होने के नाते जो वाहन है वो वाहन भी कम पैसों का होना चाहिए, इसलिए भारतीय रेल की शुरुआत की गई थी। तो भारत की जो रेल की शुरुआत की गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में रेल चलाई गई थी। भारत में पहली बार जब रेल चलाई गई थी तो उस दिन एक सार्वजनिक अवकाश था, और जो गवर्नर थे, भारत के अधिकारी थे, वो सब एक संगीत को सुनना चाहते थे। संगीत एक ऐसी जगह आयोजित किया गया था जहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए कुछ लोगों को ग्रेट इंडियन पेंसुलिन रेलवे के जो 14 डिब्बे थे उनमें उन्हें चढ़ाया गया था, और उन जो डिब्बे बनाए गए थे उन डिब्बों में फॉकलैंड नाम का एक इंजन लगाया गया था, जो कि पहली बार बनाया गया था और वो कोयले से चला था। तो विश्व में भारत अब आता है विश्व में, तो विश्व में पहली बार जो रेल चली थी वो चली थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पहली बार रेल का निर्माण किया गया था। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये दे रखा है कि भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारतीय रेलवे का जो विश्व में स्थान है वो दोस्तों पहला स्थान है। अगला, एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी जो रेल व्यवस्था है वो भारत है। अगला दे रखा है, विश्व में पहली बार रेलगाड़ी कहाँ से चली थी। तो विश्व में दोस्तों सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली थी कहाँ से चली थी, वो इंग्लैंड से चली थी, अभी आपको बताया था। अगला है, हमारे देश में जब पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन किया गया था। दोस्तों, पहली बार जब रेलगाड़ी बनाई थी तो उसका जो परिचालन के लिए डिब्बे तैयार किए गए थे वो रुड़की ITI के द्वारा प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने ही उनका निर्माण किया था। तो इस वजह से भारत में पहली रेलगाड़ी का जो परिचालन किया था वो रुड़की ने किया था। पाँच, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो अभी आपको बताया था 1853 में चली थी, मुंबई से जो ठाणे के बीच थी, जो कि मात्र 34 किलोमीटर चली थी। 16 अप्रैल 1853 को। अगला, और दोस्तों एक बात और, कि भारत में जब पहली बार रेल चली थी तो तब जो रेल बनाई गई थी वो मेटिप 3 इंजनों के द्वारा बनाई गई थी, 3 शहरों के द्वारा, साहिब, एक था साहिब, सिंध और सुल्तान, इन 3 के द्वारा भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन के जो इंजन थे उनका भी निर्माण किया गया था, और जो पहला स्टेशन था वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था। अगला, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण था वो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। अगला, भारतीय रेल की कुल लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेल की जो कुल लंबाई बताई गई है वो 63,465 किमी है, जो आज वर्तमान में है। अगला, भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे आज एक स्वतंत्र मंत्रालय है, तो इस वजह से अलग रेल मंत्रालय ने इसे जोड़ रखा है। विश्व का जो सबसे बड़ा नियोक्ता बताया गया दोस्तों वो भी हमारा देश भारत ही है। अगला, भारतीय रेलवे का जो संकेत चिन्ह है वो क्या है। भारतीय रेलवे का जो संकेत चिन्ह बताया गया है वो भारतीय रेल ही है। क्यों, क्योंकि जब आप कहीं यात्रा पर जाएंगे तो देखना कि उस पर जो रेल का डिब्बा है उस पर लिखा होगा ड बे भया और रे, तो
तो ये भारतीय रेलवे हैं। रेलवे बोर्ड में जो RPF है उसकी स्थापना दोस्तों 1882 में, रेलवे रिक्योरमेंट जैसा बोलते हैं हम RRB जो कि भर्ती बोर्ड है उसमें आज 21 हैं, और जो RRC हैं जिन्हें बोलते हैं रेलवे रिक्योरमेंट सेल उनकी संख्या 16 है, और एक शब्द है इसमें TTE तो जो बोलते हैं ट्रेवलर रिकेट एक्सपेरिमेंट। अगला, भारत में जो दूसरी रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो दोस्तों सन 1854 में बिछाई गई थी जो कि कोलकाता से रानीगंज के बीच थी। अगला, विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा नियोक्ता है वो कौन है, भारतीय रेल। अगला, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो दो राज्यों की सीमा से आता है, कि भारत का कोई ऐसा रेलवे स्टेशन भी है क्या जो दो राज्यों की सीमा से कुछ छूता है, तो दोस्तों वो है नवापुर रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को छूता है। 12, देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग किस प्रदेश में है या किस राज्य में है, तो देश की जो सबसे बड़ी सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में है। अगला देखेंगे, और हाँ एक दोस्तों एक बात और, भारत में जब प्रथम लाइन बिछाई गई थी तो वो जॉर्ज क्लार्क के शासनकाल में, और जॉर्ज क्लार्क ने ही बिछवाई थी। अगला देखेंगे, देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग तो ये अभी बताई थी जम्मू कश्मीर। 13, भारत में सबसे लंबी यात्रा करने वाली जो ट्रेन है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस। 14, भारत में पहली बार किस भारतीय ने रेलवे की पटरी बिछाई थी, तो भारत में जब पहली बार पटरी बिछाई गई थी तो उस समय जो भारत के कर्मचारी थे CO थे वो थे, जिन्हें ये कार्यभार दिया गया था, ठेका दिया गया था, वो थे जगन्नाथ शंकर सेठ, जिन्होंने भारत में पहली बार अंग्रेजों के शासनकाल में पटरी भिजवाई थी, और जो अंग्रेज़ थे वो थे डलहौजी, जिन्होंने कि पटरी भिजवाने का कार्य दिया था इन्हें। 15, भारत में सबसे ज़्यादा रुकने वाली ट्रेन कौन सी है, कि यानी कि पैसेंजर ट्रेन होगी और सबसे अधिक कौन सी रुकती, तो वो है हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस जो कि सबसे अधिक रुकती है ये। अगला, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस देश में है, दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो भारत में है, अब से पहले खड़गपुर था लेकिन आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है वो बन चुका है। 17, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो किस देश में है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो भारत में है, और कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर स्थित है। अगला, दुनिया का 18 देखेंगे, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय रेलवे की जो बोर्ड की स्थापना की गई थी वो सन 1905 में की गई थी, 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जब बंगाल विभाजन हो रहा था। 19, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, तो दोस्तों पहले जो बजट प्रस्तुत होता था वो सारा बजट देश का आम बजट एक में होता था, लेकिन रेलवे बजट जो बहुत बड़ा बजट है इस बजट को देखते हुए भारत सरकार ने इसे आम बजट से अलग कर दिया गया, और ये किया था 1921 में, लेकिन पूर्णतः 1924 में अलग हो किया गया था। 20, एक समझौता एक्सप्रेस है, एक थार एक्सप्रेस है, ये भारत से चलती हैं और किस देश की चलती हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए चलती हैं, और अगर बात करता मैत्री तो मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश के लिए भारत से चलती है। 21, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है, तो भारत के सबसे अधिक रेलवे लाइन यानी किस राज्य की जनसंख्या अधिक है, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक रेलवे लाइन है। अगला देखेंगे, पूर्वी उत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो पूर्वी उत्तर में मेघालय ऐसा राज्य है जिसमें नहीं है। तो दोस्तों हर साल जब विश्व में यूनेस्को की जो सूची आती है वो रेलवे जोनों को जोड़ती है, तो भारत के भी 4 रेलवे जोनों को यूनेस्को की विश्व श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें पहली बार दार्जिलिंग हिमालय रेलवे था जिसे टाई ट्रेन भी कहते हैं, जो भारत का एक रेलवे स्टेशन है। 2, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है जहाँ से पहली बार रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी। 3, विक्टोरिया टर्मिनल है, और 4, शिवाजी टर्मिनल डिजाइन फेडरिक। तो ये 4 स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें की सूची में शामिल किया गया है। अगला देखेंगे, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है, तो भारत का सबसे जो लंबा रेल मार्ग बताया वो है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस वहाँ पर चलती है, तो यही सबसे लंबा रेल मार्ग है। 24, भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है, तो जो भारतीय रेलवे दिवस है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है, और 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह भी मनाया जाता है। अगला, भारत में सबसे व्यस्त मार्ग कौन सा है, तो भारत का जो सबसे व्यस्त मार्ग है वो कोलकाता से दिल्ली के मध्य स्थित है। अगला देखेंगे,
भारत में सबसे उत्तर में स्थित रेलवे स्टेशन का जो नाम है दोस्तों वो जम्मू बती है, और सबसे अधिक जो दूरी ट्रेन करती है वो हिम एक्सप्रेस है, कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो 3729 किलोमीटर है। अगला, भारत का पहला इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? इंट्रीगल जहाँ पर रेल के इंजन बनाए जाते हैं, मुंबई, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली। तो ये चेन्नई में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री स्थित है। भारत का जो सबसे छोटा रेलवे मंडल है दोस्तों वो मुगल सराय है, और लेकिन मुगल सराय सबसे ज़्यादा डीजल इंजनों का भी निर्माण करता है, और जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है वो भी मुगल सराय है, ये भी आप दोस्तों ध्यान देंगे आगे देंगे। भारतीय रेलवे का जो लोगो है वो क्या है? लोगो यानी कि चिन्ह है क्या? लाइफ पाइप लाइफ लाइन लाइन ऑफ द नेशन, तो लाइफ लाइन ऑफ द नेशन भारतीय रेलवे का ये लोगो है। एक 27, रेलवे किस अनुसूची में आता है? तो रेलवे जो आता है वो संघ सूची में आता है। रेलवे किस हमारे राज्य के द्वारा तो स्टार्ट किया नहीं जाता है कि हमें वहाँ पर नया रेलवे स्टेशन चाहिए, तो वो केंद्र सरकार या रेलवे राज्य तो स्टार्ट करता नहीं है रेल, तो संघ यानी कि केंद्र सरकार उसे स्टार्ट करता है। तो जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है वो संघ सूची आती है। 28, भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो दोस्तों अभी बताया था सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है, मुगल सराय। अगला, RPF की स्थापना कब हुई? तो RPF की जो स्थापना हुई थी वो सन 1882 में हुई थी। अगला देखेंगे, देश का पहला जोन कौन सा था? तो देश का जो दोस्तों पहला जोन था वो था मुंबई, जो कि पहली बार जहाँ से ट्रेन बनाई गई थी, जो ट्रेन चलाई गई थी पहली बार, यानी कि ठाणे से ठाणे के जो बीच चली थी। अगला, भारत में जो सबसे अधिक रुकने वाली ट्रेन थी वो अभी बताया था मैंने, जिसके 7500 स्टेशनों पर रुकती है वो। अगला देखेंगे, भारत की पहली जब ट्रेन चली थी तब उसका का क्या नाम रखा गया था? तो जब भारत की पहली ट्रेन चली थी तो उसका नाम रखा था ब्लैक ब्यूटी। 32, उत्तर भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में जब पहली बार ट्रेन चली थी तो वो थी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के मध्य पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। अगला, भारत में सबसे कम किस रेलवे स्टेशन की दूरी है? तो दोस्तों जो सबसे कम रेलवे स्टेशन है वो है महाराष्ट्र का नागपुर, जिसकी मात्र 3 किलोमीटर है, और जो देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग थी वो पीर पंजाल थी कश्मीर में, 215 किमी। अगला, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो सुरेखा यादव, ममता बनर्जी, ममता कालिया, ममता जी। तो पहली जो ड्राइवर थी वो थी रेल मंत्री सुरेखा यादव। 36, भारतीय रेलवे संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे संस्थान कहाँ है, पुणे में। अगला देंगे, 37, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ स्थित है जहाँ रेलवे डिब्बे बनाए जाते हैं? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। अगला, भारतीय रेलवे के जोन कितने हैं? तो आज वर्तमान में दोस्तों जो ग्रुप डी की 62,000 पोस्टों की ऑनलाइन चल रही है, और ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी चल रही है, तो वो 17 जोन के अलग अलग रेलवे के फॉर्म डले हैं, 17 साइटों के द्वारा लिंक हो रहे हैं। तो दोस्तों रेलवे जो है 17 मुख्यालयों के द्वारा ये भर्ती कराता है, तो ये इसके 17 जोन हैं। अगला, 39, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला, भारतीय रेलवे ने कंप्यूटर रिजर्वेशन का पहली बार प्रयोग कब किया था? तो भारतीय रेलवे ने जो कंप्यूटर रिजर्वेशन का प्रयोग किया था वो किया था 1986 में नई दिल्ली से। दोस्तों एक रोचक जानकारी और, कि जितनी हमारे देश में रोज़ाना ट्रेन से सफ़र यात्री करते हैं इतनी ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या है। और भारत में पहली बार रेलवे ने जो अपना मोबाइल लॉन्च किया था ऐप दोबो था वर्ष 2014 में। भारतीय रेल नेटवर्क के मामले में विश्व में प्रथम स्थान चौथे स्थान पर रहता है, क्योंकि अमेरिका, चीन, रूस और भारत है, और एशिया में भारत का दूसरा स्थान था, लेकिन आज वर्तमान में प्रथम स्थान था। भारत में पहली बार जो विद्युत इंजन का निर्माण किया गया था वो 1971 में किया गया था, और समझौता मैंने आपको बता ही दिया है। जो भारत में रेल लाइन सबसे अधिक है वो उत्तर प्रदेश में, और किस में नहीं है तो मेघालय में नहीं है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे ये सारा GK पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर दें और इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब